आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। गुड़ मिल रहा है, दो दो गुड़ मिलती है, आदमी का पेट भरता है, भरता है, मिलता है, मिलता नहीं, कोई नहीं खिलाता है, थोड़ी देर बांटेंगे, थोड़ा सा खत्म। इतने लोगों को हम क्षमता है हम खिलाने की, तो हम कर सकते हैं। जब अनिल चौधरी है, अब केजरीवाल भी है, हमारे लिए सब बराबर है। कुरकुरा बंटवा करिए, चाय बंटवा, उसमें क्या आदमी पेट भर रहा है। हमेशा दिन में या तो कड़ी चावल, छोले चावल या पूड़ी और आपका आलू की सब्जी, शाम में ब्रेड पकौड़ों के साथ इनको हम चाय देते हैं। कुरकुरा तो हमने आज तक नहीं बांटा। इनके साथ के लिए बांटते हैं तो उन बंदों को देते हैं जो इनके जान पहचान का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह के ऊपर ये कैंप लगा हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ, राहत शिविर और राहत सामग्री के लिए, तो कितनी राहत पहुंचा रहे हैं ये जनता को, आइए जान लेते हैं। तो क्या आप इससे पहले यहाँ पे खाने की व्यवस्था और व्यवस्था हो रही थी इनकी तरफ से? हाँ, खाने हो तो रही व्यवस्था, कभी सुबह सुबह बट गाओ, सुबह डेली बटता है यहाँ पे। यहाँ पे हाँ। यहाँ ना देखो, मैंने पलंग बटो होता जालंग कर रही हूँ, जिसके नीचे आप बैठे हैं, मैं इसी की बात कर रही हूँ। क्या इस शिविर में सुबह शाम खाना बट रहा है, जरूरत का सामान मिल रहा है आप लोगों को? ना, यहाँ से ना मिल रहा हुआ। क्या कहना चाहते हो आप? मैंने ये खोखा लगा दिया इनने, तो मैंने यहाँ पे खा लिया, ताश लगा लिया है। तो कब से खा लिया ये? तो बहुत बहुत क्या दिन होगा इसे खा ली। राहत शिविर के नाम पे ऊपर लगा रखा है, उनकी तरफ से कोई आपको राहत नहीं मिल रही है? कोई राहत कहाँ जाए, तो ये गुटका मिल गया, बस गुटका मिल जाता है राहत शिविर। और क्या करोगे, यही मिल गया। तो कब से नहीं मिल रहा आपको यहाँ से खाना? खाना फुल मिल रहा है, दो दो पूड़ी मिलती है, आदमी का पेट भरता है, भरता है, मिलता है, मिलता नहीं। खास इस शिविर की बात कर रही हूँ जिसके नीचे गुटखा पान मसाला जो है वो काका बेच रहे हैं। वो तो उनको आज तुमने लगाई दुकान, बेचारा गुजर करेंगे। वैसे यहाँ पे रोज खाना या सामग्री जो आपकी जरूरत का सामान है वो उपलब्ध कराया जा रहा है शिविर से? कोई नहीं खिलाता है, थोड़ी देर बांटेंगे, थोड़ा सा खत्म, थोड़ा सा बांटेंगे और खत्म। जो सुविधाएं आपको चाहिए वो सुविधाएं आपको मिल रही है? नहीं है, थोड़ा सा बांट गया, खत्म कर देगा, खत्म हो गया, चल भागो, थोड़ा थोड़ा बांट दो, दो पूड़ी करके, दो दो पूड़ी करके। खाली नंबर बना रहे हैं अपनी 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 पार्टी, फुल भंडारा चलता है, पूरा बीजेपी का, पूरा बीजेपी का भंडारा चलता है। हाँ देखो, चल गए आप, चल गए हुआ। हाँ ये तो खाली नंबर बना रहे हैं पार्टी। हाँ हम झूठ ना बोलते हैं, कितने पेट भर के खाना मिल रहा है यहाँ, बर्तन भर भर के लेकर आते हैं, लेकर आते हैं। मैम देखिए, जितने लोगों को हम क्षमता है हम खिलाने की, तो हम कर सकते हैं, लेकिन लोग अपने घर से बर्तन वगैरह लेके आते हैं, लेकिन अगर हम 100 बंदों के लिए, 200 बंदों के लिए लेके आते हैं तो वही 100 बंदों का रह जाता है। तो आप एक तरफा बात मत कीजिए प्लीज। हम वो नहीं देखते, हम तो हमारे लिए सारे बराबर हैं। जब अनिल चौधरी है, अब केजरीवाल भी है, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन जो भरपूर खाना दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा है, हम तो सीधी कहता हूँ, जो भरपूर खाना बीजेपी दे रही है वो कोई और नहीं दे रहा है, ये कहना चाहता हूँ। मैम हमें तो नहीं लगता, 10-15 दिन से लगातार हम जो हम कर रहे हैं सुबह दिन और शाम को, कभी कुरकुरा बटवाते, कभी एक चाय बटवाते, उसमें क्या आदमी पेट भर रहा है? कभी कुरकुरा बटवाते हैं, कभी एक चाय बटवा देते हैं, उससे पेट भर रहा है। आपको मैं मेन्यू बता देता हूँ, हमेशा दिन में या तो कड़ी चावल, छोले चावल या पूड़ी और आपका आलू की सब्जी, शाम में ब्रेड पकौड़ों के साथ इनको हम चाय देते हैं। कुरकुरा तो हमने आज तक नहीं बांटा। पानी किसने टैंक मंगा दिया? पानी का टैंक किसने मंगाया? अभी तक आया ही नहीं, आज नहीं आया, रोज ही पानी का टैंक। पानी आता है, लेट आज लेट हो गया, आ जाएगा शाम तक, आ जाएगा, और क्या, पानी का टैंक नहीं आ रहा है। मैम हमने तो पानी की सुविधा भी रखी है, सबको ग्लासेस बांटते हैं पानी की, खाने के साथ साथ। ये देखिए आप, ये जो पानी पी रहे हैं ये कांग्रेस की देन है, ये जो हम पिला रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे पर लगाना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल की घटनाएं भी जो हो रखी है, बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों को, मुश्किल जो हालात है वो हम ही नहीं समझ सकते, जितना दर्द ये समझ सकते हैं ये हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम भी उतना कर रहे हैं जितना हमारे से हो सकता है। जितना सामर्थ्य है आप उतना कर रहे हैं, कर सकते हैं जी, क्योंकि ना हम सेंटर में हैं ना हम स्टेट में हैं, लेकिन तब भी हमने जेबों से निकाल निकाल के, तब भी हमारे जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, श्री अनिल चौधरी जी, उनके नेतृत्व में हम किया जा रहा है सारा कुछ, उनके नेतृत्व में सब किया जा रहा है। दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे खाना बंटवाया जा रहा है, पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। तो जो मेन शिविर के नीचे हम खड़े हैं, आम आदमी राहत, बाढ़ राहत शिविर, यहाँ से क्या राहत मिल रही है? यहाँ से, इनके यहाँ से जितना इनके कब्जे में उतना ये कर रहे हैं। आम आदमी की बात कर रही हूँ, जिस शिविर के नीचे काका ये लगा के बैठे। अच्छा, यहाँ पे तो भी कुछ नहीं है, कितने दिन से नहीं है? 2-3 दिन हो गए हैं, तब यहाँ पे था, दवाई गोली मिलती थी।
अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दवाई गोली मिलती, हाँ दवाई गोली मिलती थी, अब कुछ नहीं है। फिलहाल में अगर इनका राशन भी आता है, सूखा राशन बटने के लिए आता है, तो इनका अंधेरे में रात रात में बट जाता है। इधर इस साइड में बट जाएगा, इधर बट जाएगा, इधर बट जाएगा। इनके जो मैन कार्यकर्ता है, जो बांटने वाले हैं, इनके लोग यहीं के बंदे हैं, कुछ इनके साथ के भी हैं, बांटते हैं तो वो उन बंदों को देते हैं जो इनके जान पहचान का है। जान पहचान के बंदों को देते हैं, जो और बंदे परेशान है, जो और यहाँ पे जनता है जो परेशान है, उनकी कोई मदद नहीं, उनकी मदद नहीं है। जो इनके जान पहचान के उन्हीं को राशन मिलता है, और जो बाकी चेहरा देख के देते हैं, और बाकी इनके पीछे पीछे डोलते हैं कि हमें राशन मिल जाए, हमें राशन मिल जाए। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी लोग ये बता सकते हैं आपको। तो जिस सुविधा की बात करें, वो सुविधा आपको नहीं मिल रही? हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, मगर जितना कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी है, उसकी उसमें जितना उसके बस में है वो उतना कर रही है। सही है, जितना उसके बस में है, मगर दिल्ली चलाने वाले तो ये हैं, इन्हें सोचना चाहिए मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। तो जिस तरह से यहाँ पे आम आदमी का शिविर लगा है, जिसके अंदर एक काका बैठ के पान बीड़ी ये सब बेच रहे हैं, जो राहत शिविर के नाम पे है, यहाँ पे कोई भी सुविधा यहाँ पे मुहैया नहीं करवाई जा रही है। इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगन टीवी। कैमरा मैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।